सो फाइनली पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया, क्या फीलिंग आती है जब माँ का आगमन होता है, लक्ष्मी का आगमन होता है? आई थिंक एक दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, आई थिंक जब भी हम लक्ष्मी माँ की पूजा करके रहते हैं तो एक बहुत ही सुकून वाली फीलिंग होती है, एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप पूजा कर ली, आप देखना हमारा काम कैसे सफल होगा। आई थिंक एक पॉजिटिविटी होती है, एक ये सब आई थिंक जो लक्ष्मी पूजन सालों से करते आए हैं वो सब इस चीज़ से रिलेट करेंगे, एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग होती है। दिवाली अगर बात करें, दिवाली शब्द सुनते ही क्या जहन में आता है, मतलब दीपा, मेरा नाम दीपावली मतलब दीपा मतलब मैं, आप खुद लक्ष्मी हैं? हाँ, मैं मतलब मुझे सब लोग ये बोलते हैं तो मेरी मम्मा ये बोलती है कि क्योंकि मैं दिवाली के दिन हुई तो अंडरस्टूड है कि यू नो अरे लक्ष्मी माँ का एक एक्स्ट्रा तुम पे मतलब वो आशीर्वाद है। हाँ, और ये चीज़ मैं बहुत जेन्यूनली मान के चलती हूँ, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी आदत पैसे से अटैचमेंट नहीं है मुझे, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, चाहिए बहुत सारा चाहिए, लेकिन मुझे अटैचमेंट नहीं है कि अगर 2 रुपये होंगे शायद मैं 1.5 रुपये खर्च कर दूँगी, अगर मुझे लॉजिक लगेगा मैं खर्च कर दूँगी। मेरे एक दोस्त है वार्तिका, बहुत लोग जानते हैं उनको, वार्तिका हमेशा बोलते हैं कि आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जो लोग मुझे जानते हैं वो इस वक्त स्माइल कर रहे होंगे क्योंकि वो जानते हैं मेरे पास अगर 10,000 रुपये आ जाए और मुझे लगा कि मुझे 9,000 की कोई चीज़ लेनी है, ज़रूरत है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि 1,000 बचेगा, मैं 9,000 खर्च कर दूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि फिजूल में खर्च करूंगी, लेकिन अगर किसी की मदद करनी हो या कुछ करना हो मैं 2 सेकंड सोचती नहीं हूँ, मेरा रिलेशनशिप, और फिर 9,000 की जगह मुझे 16,000 वापस आ जाते हैं या 18,000 आ जाते हैं, सॉरी, तो मेरा रिलेशनशिप पैसों के साथ बहुत प्यारा है। चलिए, ये त्यौहार ऐसा होता है सभी सेलिब्रेट करते हैं, पूरा सब घर आता है, कैसे होता है आपके घर में, कैसे शुरुआत होती है? बचपन से तो पापा जैसे दिवाली पे हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पे जो निशान साहब है उसके नीचे हम हमेशा कैंडल्स जलाते हैं, ये हमारा रिचुअल रहा, और दिवाली के 10 दिन बाद गुरपुरब होता है, तो हम लोग जब वो लाते थे क्रैकर्स लाते थे बचपन में तो आधे से ज़्यादा बचा के रखते थे क्योंकि फिर हम गुरपुरब के दिन जलाते थे, और फिर सेम चीज़, तो गुरुद्वारे में जाना, कैंडल जलाना इज समथिंग दैट आई ऑलवेज लुक बैक, और मिठाइयाँ बांटना, वो एक बहुत प्रोमिनेंट दिवाली का एक हमारा प्रथा रही कि मम्मा, हम 3 बहनें हैं तो तीनों को थोड़ी 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 मिठाइयाँ पकड़ा दी कि तुम इन घर में जाओगी, तुम इन अकेले अकेले जाओगे, ताकि आप सोलो बात भी करो, उनको विश करो, सोलो सोलो सब ब्लेसिंग्स लेकर आओ। तो वो शुरू में बड़ा लगता था, अरे यार ड्यूटी लगी, आपको कितने डब्बे मिले, 4 ज़्यादा मिले ना, वेरी गुड, मुझे कम मिले, वैसा होता था, लेकिन आज मैं वो मिस करती हूँ, आज मैं जीड़न पे थोपती हूँ क्योंकि मुझे पता है उसकी जो कदर है ना वो आज होती है कि यार सबके घर जाके जो आंटियों का ऐसे करना, अरे सो स्वीट, और वो करना बड़ी प्यारी मेमोरीज है मेरी। जैसा कहा आपने, आपको अपना बचपन का दिवाली, आप जब जीड़न को देखती हैं तो क्या फील होता है, मतलब बचपन की यादें कभी नहीं जाती दिवाली की? बिल्कुल भी, आई थिंक दिवाली एक ऐसी मेरे लाइफ में फेस्टिविटी रही क्योंकि बर्थडे टाइप एटमॉस्फेयर भी रहता है, क्योंकि सेम डे सबको याद आता है, फिर मम्मा हमेशा वो किस्सा लेके बैठ जाती हैं कि ना दिवाली पे तो सुबह हुई थी, फिर ऐसे ऐसे हमारी पार्टी थी, तो पापा आर्मी में थे तो मेस में पार्टी थी, तो पापा ने पूरी पार्टी घर में शिफ्ट की, और कई लोग ये भी जो पुराने ज़माने वाले लोग थे उनको लगा था है तीसरी लड़की आ गई, कितने खुश हो रहे हैं, ये पागल हो गए उनको हाँ लक्ष्मी वाला फंडा नहीं तो है, तीसरी लड़की है, पूरी पार्टी घर में कर रखी है, पापा तो मतलब बिल्कुल इज़ लाइक एन आर्मी मैन उनको तो, बट बड़े मतलब हर साल वो एक किस्सा आता ही आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि दिवाली की हाईलाइट मैं होती हूँ हमेशा। अभी जेडन है साथ में तो उनकी भी अब जिद होती होगी, कुछ बातें होंगी पटाखों को लेकर खासतौर पर, तो कैसे क्या होता है ये हर साल? डेफिनेटली क्या होता है ना, अभी बहुत कम हो गया है विच आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट, लेकिन पटाखों से पहले ना मुझे ये लगता है कि जितने अभी वॉर की जो सिचुएशन है, जितने न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ से वहाँ फूट रहे हैं, वहाँ पे आग जल रही है, वहाँ पे वो जो ग्लोबल वार्मिंग में ऐड कर रहे हैं उनका क्या? हम 4 फुलझड़ियां अपने बच्चों को नहीं दे रहे कि हमने बीड़ा उठाया है गोल्डन बोल रही हूँ ग्लोबल वार्मिंग का, जो ज़रूरत भी है, और इस चीज़ को मैं 100% बोलती हूँ कि भाई मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी, लेकिन ये उन लोगों के कंधों पे क्यों नहीं है ये जिम्मेदारी, जो एक ही धमाके से हमारी कम से कम करोड़ों दिवालियों को एक एक झटके में निपटा देते हैं, तो ये मुझे हमेशा बहुत गुस्सा भी आता है और मुझे ऐसा लगता है कितनी गलत बात है। एनीवेज मैं जेडन को यूजली क्या करती हूँ, 4-5 फुलझड़ियाँ ले आती हूँ ताकि उसको ये ना लगे कि वो यू नो लाइट वाला फेस्टिवल, तो जैसे हमारे बाहर रंगोली होती है तो वहाँ थोड़े से फुलझड़ियाँ जलवा देती हूँ, बट हाँ जो हम बचपन में करते थे कि ऐसे हमारे बाल्टियों में क्रैकर्स भरे होते थे, हम ऐसे बाल्टियाँ लेके जाते थे, वो वाले समय तो अभी रहा नहीं, कोई बजा उतने क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करते,
लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत तो मैं जेरिन को दो चार मतलब ऐसे जस्ट फॉर द रिचुअल बिट करवा देती हूँ, बट मैं क्रैकर्स को परहेज करती हूँ। यही सोचती हूँ कि यार जितना हम कम कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जितना दुनिया में मैं देख रही हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बड़ी सिचुएशनल और बड़ी हिपोक्रेसी वाली है कि दिवाली आ गई तो इंडिया में नज़र आ गई, लेकिन आप जो धमाके कर रहे हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका क्या और कौन जवाबदारी देगा उसके? हमें भी चाहिए, हमारे दिवाली पे उसकी मुझे जवाबदारी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही आपने। हालांकि लक्ष्मी से क्या मांगा पूछना ही चाहिए, फिर भी आपने अपने लिए क्या मांगा और फैन से क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक हर साल ये सच बात है, हमेशा देखो कभी भी ना कोई भी ऐसे मुकाम पे आके नहीं बोलेगा कि मेरे पास सब कुछ है। ये सिर्फ शायद एक उम्र जब 80 साल के कोई हो जाते तब बोलते हैं, कोई भी हमारे उम्र वाले कोई भी नहीं बोलेंगे कि मेरे पास सब कुछ है। तो हर मुकाम पे आपको और कुछ चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं भी प्रे करती हूँ कि थोड़ी और स्टेबिलिटी मिल जाए, एक अपना घर हो जाए, यू नो जेरिन के लिए मैं कुछ अमेजिंग सा कुछ FD बना दूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हर माँ को शायद लगती होगी वो मुझे भी लगती है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसा मैंने अपनी पूजा के दौरान भी कहा, मैं ये भी हमेशा प्रे करती हूँ कि जब आपको जाना हो आप इज्जत से प्यार से खुशी खुशी जाएं, लेकिन याद रखें कि इतनी इज्जत आपको यहाँ मिलती है तो वापस भी आए। तो ये हमेशा मेरी पूजा यही रहती है। हाय, मैं हूँ दलजीत कौर और जूम के सारे हमारे व्यूअर्स को, देश के विदेश के सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी इन्जॉयमेंट कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, अपने बच्चों को ज़रूर मिठाई बांटने के लिए भेजिएगा और खूब सारी मेमोरीज बनाइए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट लास्ट अ लाइफ टाइम। एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी।